आप देख रहे हैं एवरीफेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में दिलचस्प बातें बताने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर वन, नॉर्थ कोरिया के देशवासियों को जीन्स पहनने की भी अनुमति नहीं है और ये नियम पुरुष और महिलाओं पर दोनों पर लागू होता है। अगर कोई भी नागरिक इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों नॉर्थ कोरिया में अगर कोई नागरिक किसी जुर्म में लुप्त पाया जाता है और अगर वो जुर्म नॉर्थ कोरिया की इस कानून के द्वारा सिद्ध किया जाता है तो उस नागरिक को सजा तो मिलती है, उसके साथ साथ उसकी तीन पीढ़ियों को भी सजा दी जाती है। फैक्ट नंबर थ्री, नॉर्थ कोरिया में एक और कठोर कानून बनाया गया है जिसके तहत अगर कोई भी कोरियन नागरिक बाइबिल पढ़ते हुए पकड़ा जाए तो उसको सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा दी जाती है। फैक्ट नंबर फोर, नॉर्थ कोरिया का क्रूर शासक किंग जोंग उन को कहा जाता है। इसको क्रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने ही चाचा को 120 कुत्तों से खिलवा कर मरवा दिया था। दोस्तों आप समझ सकते हैं ये किस तरह का आदमी है। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों नॉर्थ कोरिया के हर नागरिक को इंटरनेट की सुविधा का इस्तेमाल करना गैरकानूनी माना जाता है। नॉर्थ कोरिया का हर कोई आदमी इंटरनेट की सुविधा नहीं ले सकता है, सिर्फ सरकारी आदमी और किंग जोंग के खुद के आदमी इंटरनेट सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल आदमी कोई भी यूज़ नहीं ले सकता। फैक्ट नंबर सिक्स, दोस्तों नॉर्थ कोरिया के कानून के तहत हर 5 साल में वहाँ पर चुनाव किया जाता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चुनाव में सिर्फ एक ही आदमी खड़ा होता है, वो भी है किंग जोंग। फैक्ट नंबर सेवन, दोस्तों नॉर्थ कोरिया विश्व का एकमात्र एक ऐसा देश है जिसने अमेरिका को खुलेआम युद्ध की चुनौती दे रखी है और इसके साथ ही साथ अमेरिका का नेवी का जहाज भी इनके कब्जे में कर रखा है। फैक्ट नंबर एट, दोस्तों नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को अपने मुताबिक हेयर स्टाइल भी नहीं करवा सकते, वहाँ पर इस पर भी कानून बनाया गया है। महिलाओं के लिए 28 तरह की और पुरुषों के लिए 10 तरह की हेयर स्टाइल उपलब्ध है, उन्हीं में से किसी एक हेयर स्टाइल को चूज करना पड़ता है और इस कानून का पालन करना पड़ता है। फैक्ट नंबर नाइन, दोस्तों नॉर्थ कोरिया के टूरिस्ट पर भी बहुत सी पाबंदियाँ लगाई गई है। कोई भी टूरिस्ट अपने साथ मोबाइल और किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान वहाँ पर नहीं ले जा सकते। फैक्ट नंबर टेन, दोस्तों नॉर्थ कोरिया में एक भी प्राइवेट चैनल नहीं, वहाँ पर सिर्फ सरकार द्वारा चलाए गए टीवी चैनल ही चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और नीचे कॉमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हो तो। जय हिंद, जय भारत।